Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद होने की वजह से हम थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो मेरा फर्स्ट लेसन है वो क्लास 8 का है और मैथ सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 2, रियल नंबर। टॉपिक रियल नंबर। रियल नंबर ये कॉम्बिनेशन होता है टू नंबर्स का, वन इज नोन एज इरेशनल नंबर, एंड सेकेंड आर रैशनल नंबर्स। व्हाट आर इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर दैट आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ इवन, व्हाइल रैशनल नंबर्स कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशंस करनी और साथ इसमें कंडीशन है कि वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर हम रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन ले लें, यानी क्यू यूनियन क्यू डैश इज इक्वल टू होता है बी नंबर के, बी आर के, तो फिर हम ये नंबर को ऐसे डेफिनेशन कर सकते हैं। ये मेरे पास मेरे स्टार्ट हुए पेज इसका, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर टू डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आर एंड कैन बी रिटन एज क्यू यूनियन टू डैश इज इक्वल टू आर। इसके बाद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मीन होता है कि ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेट मतलब यदि फिनिश हो जाना खत्म हो जाना, क्योंकि वो खत्म ही ना हो। सपोज 10 डिवाइडेड बाय 3, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 3 9, 1 रिमाइंडर पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, 0 आ गया, 3 3 9, यानी ये वैल्यू जो है ये चलती रहेगी, ऐड नहीं होगी। इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसको ऐसे डॉट लगा दिया कि ये कंटिन्यू है, जबकि टर्मिनेटिंग जो फिनिश हो। इनको हम कहते हैं टर्मिनेट। तो लास्ट वाले पेज नंबर 17 पर उसने नोट पर लिखा हुआ द डेसिमल्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि ना तो वो खत्म हो रही और ना ही एक ही डिजिट ये रिपीटिंग है, ये बार बार आ रहा है। तो उसने पॉइंट के बाद जो डिजिट है ये मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये लास्ट पर पेज नंबर 17 पर ये बॉक्स के अंदर जो है ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी बन सकती है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 2.1। क
क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स 5/7 ये फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करना डेसिमल के अंदर तो न्यूमरेटर को अंदर लिखा डिनोमिनेटर का डिवाइड किया डिवाइड नहीं हो रहा जीरो लग गया पॉइंट आ गया यहां पर जीरो आ गया 7 7 49 1 9 एक और जीरो आ गया 7 1 7 3 9 एक और जीरो 7 4 28 2 9 फिर जीरो आ गया 7 2 40 6 आ गया फिर जीरो लग गया ठीक है तो ये सो और चलता जाएगा तो फिर हम इसको लिख सकते हमारा था कि डेसिमल फ्रैक्शन का नहीं और साथ हमने टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव ये क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिव है नॉन टर्मिनेटिव सेम ऐसे सारे क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट है 3/5 3 यानी न्यूमरेटर को अंदर रखा और 5 बी न्यूमरेटर के ऊपर डिवाइड किया नहीं डिवाइड हो रहा पॉइंट आ गया 0 आ गया 5 6 7 8 फिनिश हो गया एंड हो गया तो ये क्या है 0.6 के डेसिमल बन गए और ये क्या है टर्मिनेटिंग फिनिश तो ये सारे पार्ट्स आपने इसके ऐसे ही कर लिए आज ये आपका डायग्राम होगा जो आप नोटबुक के ऊपर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसके सारे पार्ट्स क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ और इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी रैशनल एंड इरेशनल यानी रैशनल को किन से शो कर देते हैं और उनकी इरेशनल को कुछ ऐसे रियल नंबर प्लस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट्स आर पार्ट्स आपने नोटबुक के ऊपर ये डायरी उम्मीद है आपको समझ लग गया कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू